भिलाई सेक्टर 2 के पंडाल के पास आ चुके हैं और सामने आपको पंडाल दिख रहा होगा, काफी प्यारा पंडाल है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हवन हो रहा है अभी, और बाकी मैं तो अंदर का पंडाल दिखा ही चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया हूँ भिलाई सेक्टर 2 पे गणेश पंडाल दिखाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पार्किंग के पास है और बाइक पार्क कर चुके हैं और अभी चलेंगे हम लोग पंडाल की ओर। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है पंडाल में, मतलब भिलाई सेक्टर 2 में इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलते हैं अंदर पंडाल की ओर और देखते हैं इस साल पंडाल कैसा बनाया गया। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक बने रहना, वीडियो पसंद आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो करना। तो चलिए चलते हैं अंदर पंडाल देखते हैं। तो दोस्तों अभी निकल चुके हम लोग पंडाल की ओर, और बाकी इधर जो लाइट लगाया गया है देख सकते हैं चारों साइड लगा हुआ है रोड के, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं जो झालर है इधर पेड़ों में लगाया गया है, उधर भी लगाया गया है। दोस्तों हम लोग भिलाई सेक्टर 2 के पंडाल के पास आ चुके हैं और सामने आपको पंडाल दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा पंडाल है। देख सकते हैं पंडाल जो ब्लू कलर का है और वाइट कलर का है और काफ़ी प्यारा बनाया गया है। और बाकी भीड़ को तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, आज भी बाहर तक लाइन लगे हुए हैं अंदर जाने के लिए। और इस साइड देख सकते हैं इस साइड राम भगवान का राम दरबार यहाँ पर बनाया गया है लाइट से, काफी प्यारा लग रहा है अभी। और चारों साइड देख सकते हैं सिर्फ क्राउड ही क्राउड नजर आ रहा है। और ऐसे यहाँ पर रोड से देखोगे तो पूरा रोड में आ चुका है जितना भी बाइक है, वह देख सकते हैं बाइक इधर रखा हुआ है, सामने उधर कार रखा हुआ है। और बाकी इस साइड भी पार्किंग बनाया गया है, मतलब रोड में ही पार्क कर रहे हैं सभी बाइक को, और 10 रुपये टिकट लग रहा है। तो चारों साइड देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। और बाकी है तो मेन पंडाल यहीं पास है, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग अंदर की ओर। तो दोस्तों मैं पास ले चुका हूँ और एक पास का जो रेट है वहाँ पास 50 रुपये है, देख सकते हैं VIP पास लिया हूँ तो 50 रुपये ही रेट है, उससे नीचे वाला नहीं है। तो अभी अंदर चलेंगे पंडाल की ओर। तो दोस्तों वीडियो लगा आज तक बने रहना। और बाकी तो पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड है आज, तो देख सकते हैं पीछे, और यहाँ से एंट्री है और मेन गेट से भी वहाँ पास एंट्री है। तो चलते हैं अंदर पंडाल की ओर। पास तो यहाँ पास देना पड़ेगा, यहाँ से पास देंगे और तो दोस्तों हम लोग पास दे चुके हैं और अंदर आ चुके हैं और इस साइड भीड़ को देख सकते हैं। तो यहाँ से अंदर चलेंगे हम लोग और अंदर आते ही यहाँ पास देख सकते हैं पंडाल बड़ा सा बना हुआ है, बाहर से तो आपको दिखलाया ही हूँ और अंदर आ चुके हैं अभी और अंदर से देख सकते हैं पंडाल को। दोस्तों अब यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं पंडाल, पूरी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग अंदर पंडाल की ओर और अंदर गणेश जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ से चलते हैं और बाकी उस साइड से भी देख सकते हैं, उस साइड से भी लोग आ रहे हैं और उधर मेला भी लगा हुआ है। और यहाँ से भी देख सकते हैं अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है। तो दोस्तों अभी हम लोग पंडाल के अंदर आ चुके हैं, देख सकते हैं अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और बाकी इधर पंडाल को देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना एक बार। और सामने देख सकते हैं गणेश जी हैं, स्वाहा 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 स्वाहा
सभी लोग हाथ जोड़िए और भगवान शिव मृत्युंजय भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान गणपति के पिताजी के शरण करते हुए भगवान लखोद का भगवान तो देख सकते हैं यहाँ पर हवन हो रहा है अभी, और बाकी मैं तो अंदर का पंडाल दिखा ही चुका हूँ। और यहाँ पर हवन हो रहा है और हवन के साथ इधर देख सकते हैं मेला वाला जैसे सामान मिलता है इधर मिल रहा है, तो लाइन से चलते हैं इस साइड भी। और जैसे इस साइड देख सकते हैं किचन वाला सामान है और इस साइड बच्चों का सामान है, इस साइड देख सकते हैं लकड़ी का बना हुआ सामान है, और बाकी अंदर चलते हैं। तो दोस्तों पंडाल कैसा लगा यहाँ का कमेंट करके जरूर बताना। भिलाई सेक्टर 2 सामने देख सकते हैं मेला जैसा माहौल लगा हुआ है। और यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, बाकी एंट्री का जो गेट है इस साइड भी है यहाँ छोटा सा, और अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस साइड खाने वाले आइटम्स लगे हुए हैं, और इस साइड है जो खरीदी वाले सामान लगे हुए हैं, इस साइड भी घर के सजावटी वाले सामान है देख सकते हैं जैसे, और जितने भी बीच में स्टॉल लगे हुए सभी खाने पीने वाले हैं। तो भिलाई सेक्टर 2 के पंडाल देखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेला जैसा भी माहौल लगा हुआ है, मतलब मेला ही लगा हुआ है क्योंकि बच्चों का झूला और बड़ों का झूला भी इस साइड लगा हुआ है। देख सकते हैं सामने आसमानी झूला आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ भी मेला लगा हुआ है। और बाकी यहाँ का तो पंडाल दिखा ले आया हूँ आपको, तो यहाँ का पंडाल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो गणेश जी दर्शन किए हो तो वह भी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देख सकते हैं जितने भी मेला वाला सामान है जैसे इस साइड बिक रहा है बलून और सजाने का, यहाँ पास बच्चों को खेलने का सामान उधर देख सकते हैं, और बाकी इस साइड झूला भी लगा हुआ है। इससे पहले आप खाने का सामान देखे हैं उस साइड और खरीदारी का सामान देखे हैं घर में सजाने का, और कुछ कुछ आइटम रहते हैं जो मेला में रहते हैं सभी, और इस साइड झूला लगा हुआ है देख सकते हैं, इस साइड सभी झूला लगा हुआ है बच्चों का बड़ों का सभी साइड, और इस साइड देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बाहर चलेंगे अभी, तो पूरा कवर हो चुका है भिलाई सेक्टर 2 का पंडाल और मेला, तो सामने उधर एग्जिट पॉल है तो वहाँ से बाहर चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों भिलाई सेक्टर 2 का गणेश पंडाल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और दोस्तों यहाँ का जो पंडाल बहुत प्यारा है, ब्लू कलर का पंडाल बनाया गया और अंदर जो गणेश जी है वह भी बहुत प्यारा है। तो दोस्तों अंदर आते हैं पंडाल के अंदर, तो अंदर आओगे तो बहुत प्यारा लगता है अंदर का जो सीन है जो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।